नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने विश्वसनीय यूट्यूब चैनल द इंडियन न्यूज के अंदर। दोस्तों, लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए पंजाब विधानसभा चुनाव की एक और बड़ी अपडेट, आप सभी के लिए हाजिर है। दोस्तों, यहां पर नवजोत सिंह सिद्धू को इमेज क्लीनिंग में जुटी कांग्रेस, ये पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारियां तो नहीं है। पहले कांग्रेस प्रदेश प्रभारी हरीश रावत ने नवजोत सिंह सिद्धू के नेतृत्व में पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए ऐलान किया। अब वे सिद्धू की इमेज क्लीनिंग में जुटी हुई एक, क्या नवजोत सिंह सिद्धू की इमेज क्लीनिंग कर कांग्रेस पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारियां कर रही है? आखिरकार दोस्तों, जानेंगे तमाम अपडेट जानकारी। उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल द इंडियन न्यूज को नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले। दोस्तों, ऐसे में आपको ओपिनियन पोल और पंजाब विधानसभा चुनाव से संबंधित तमाम जानकारी मिलती रहेगी। जानने के लिए अभी सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। जानते हैं आगे की अपडेट क्या होगी। लंबे समय से चल रहे पंजाब कांग्रेस में जारी अंतरकाल के बाद आखिरकार चरणजीत सिंह चेनी को पंजाब का मुख्यमंत्री बना दिया गया है। वे अब कांग्रेस प्रदेश प्रभारी हरीश रावत, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की इमेज क्लीनिंग करने से मैं जुटी हुई है। वह इससे पहले उन्होंने ऐलान किया था कि कांग्रेस के नवजोत सिंह सिद्धू के नेतृत्व में पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ेगी। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या पंजाब में चरणजीत सिंह चेनी को मुख्यमंत्री और दो डिप्टी सीएम बनाना वोट बैंक को साधने का चुनावी वादा मात्र है? क्या नवजोत सिंह सिद्धू की इमेज क्लीनिंग कर कांग्रेस पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारियां कर रही है? बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब का सीएम बनाने पर विरोध करने की बात कही थी। इसके साथ ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल बाजवा से दोस्ती हैं, इसलिए पंजाब जैसे सरहदी राज्य में ऐसे शख्स को सीएम बनाना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। इसके बाद से बीजेपी समेत तमाम विरोधी पार्टियां नवजोत सिंह सिद्धू पर हमलावर हैं। वहीं अब हरीश रावत ने इस विषय पर सफाई देते हुए कहा कि सिद्धू के साथ खड़े हो गए। हरीश रावत ने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति अपने धार्मिक तीर्थ स्थल करतारपुर साहिब का रास्ता खोलने के लिए धन्यवाद देता हुआ है तो एक बार अपने दूसरे पंजाबी भाई के गले मिलता है तो हम इस दशहरे क्या है। दौरान हरीश रावत ने पीएम मोदी को जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे में तो पीएम मोदी भी पाकिस्तान के पूर्व सीएम नवाज शरीफ के गले लगे थे। आखिरकार दोस्तों, आप आगे की अपडेट भी जानना चाहते हैं तो अभी के अभी चैनल के नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले। दोस्तों, ऐसे में आपको मिलती रहेगी तमाम जानकारी पंजाब विधानसभा चुनाव से संबंधित।